नमस्कार सुप्रभात मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आप मान को स्वागत करुची भाग्य भविष्य लाइव को दर्शक बंधु आप मान को प्रश्न आपण मानक समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्य आपण मानक जो प्रश्न रहुची समस्या रहुची ताले स्क्रीन ने फ्लाश होतवा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपकर सठिक जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्म स्थान कहंतु। दर्शक बंधु जमती कि आपने जानते प्रत्येक दिन आम किसी विषय उपर आलोचना करतमान समय रे विवाह उपर आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपण को कमी मिल पार बहुत भल लाइफ पार्टनर आपतीपर आप जतक में कौन जोग अच्छी के मेरेज हम मेरेज कहीं विलंब हो लव मेरेज करेंगे कि आप अरेज म्यारेज करेंगे कौन अच्छी जतक जोग केमती बहुत भल आप कटो वैवाहिक दाम्पत्य सुख केमती मिल पार परिवार प्रत्येक व्यक्ति आपन को केते सपोर्ट करेंगे मैरिज परे से सब जिन देखुं आलोचना करण जुग अच्छे आप जातक लग्न को देखुं आप स्वभाव केमती अच्छी आप चरित्र केमती अच्छी केते पॉजिटिव डिसीजन आप लाइफ रे सेकेंड हाउस देखुं आपते स्ट्रंग अच्छी पारिवारिक सुख शांति केमती आप पार्टी केमती कथबार्ता मध्यम आप संपर्क गढ़ुं केते पॉजिटिव कथबार्ता करते सेविंग्स क्वालिटी आपतर अच्छी कहीं बहुत जिते आप जतक देखुं से देखते आप स्वभाव केमती रोचे लाइफ पार्टनर स्वभाव केमती रोचे आपणकर केमती अच्छी आपणकर लाइफ पार्टनर परमती रपंकर परिवार सहित परिवार मैच केमती कर सेकेंड हाउस सहित सेकेंड हाउस मैच मध्य देखु लग्न सहित लग्न मैच देखु आपण स्वभाव सहित स्वभाव जब मैच करुच्चे बहुत भल र आपण जहाँ भी डिसीजन ने तांकर मध्य आपको डिसीजन ने बहुत भले सपोर्ट रहइबो लाइफ रे बहुत भले बैलेंस सही परबो आपण उभयंक मध्य रे। फोर्थ हाउस आपण को मनर स्थान मानसिक स्थिति को जस्टिफाई करे डोमेस्टिक हैप्पीनेस केते रहउची आपण को भितरे पारिवारिक सुख शांति आपण को केते मिली परबो आपण को परिवार केते खुशी अछंती देखिया पई। फोर्थ हाउस को देखा जाय फोर्थ हाउस रे केमती ग्रहर पोजीशन नउची चंद्र जदि फोर्थ हाउस रे पोजीशन नउची चंद्र मनर कारक ग्रह मानसिक कारक्रह जदि फोर्थ हाउस पोजिशन होते स्ट्रंग अच्छी केते शुभ प्रभाव अच्छे जदि शुभ प्रभाव अच्छी ताले मानसिक स्तर में आप अधिक स्ट्रंग रही बहुत भले मन आप रहा भी आपंकर रानसिक स्थिति एवं डोमेस्टिक हैप्पीनेस बहुत भले मिल पार जदि चंद्र शुभ प्रभाव अच्छी शुभ ग्रह प्रभाव रोचे जदि फोर्थ हाउस जदि पाप ग्रह प्रभाव रोचे तो आप स्ट्रगल करेंगे मानसिक अशांति प्रत्येक समय लग रहा कि समस्या आपण सहित घटव जड़े कलर जोड़ सहित कथा हेलो 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 आज्ञा कहतु क्या विषय जानवे कहतु आप जन्म तारीख अगस्त 14 अगस्त 2006 समय कौन तो समय 12 का दिनों की राती दिनों 12 का दिनों ठीक 12 का कौन चुनती दिनों 12 का 2006 अगस्त 14 जन्मस्थान कौन तो नयागढ़। हेलो कौन जाने चाहन चुनती आपन को विषय रे आपन राशि का कौन आ परीक्षा आ को छि किमिति कौन ठीक अच्छे आज्ञा आप घर सब देखा आप लग्न तुला लग्न एवं आप राशि रोचे मेष राशि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि आपन बै वन मानसिक अस्थिरता प्रत्येक समय लग कि रोचे अधिका फ्रक्चेक्शन रोचे पढ़ापढ़ी में प्रपर्ली आप फोकस कर पारना किंतु बहुत भल पा आपन को बहुत भल रोच फ्यूचर मध्य आपण अधिका न्याय रधिका सॉफ्ट नेचर रोचे आप प्रत्येक व्यक्ति सहित जस्टिस करने आप फ्यूचर में चेष्टा करेंगे एवं बहुत भल मानसिक स्थिति रोचे किंतु मानसिक अस्थिरता कनसेंट्रेसन लेक कर पढ़ापढ़ी में प्रपर्ली फोकस कर पारना जेहेतु वर्तमान समय चलती शुक्र में बृहस्पति में शनि अधिका लेजिने आपण रोचे मानसिक अस्थिरता प्रत्येक समय लग कि रोचे मन भितर अधिक डर रोचे कन्फिडेन्स आसी पारना पढ़ापढ़ी जहाँ पढ़ुंट आप मेमोरीज कर पारना मन रोना आपणकर वर्तमान समय स्ट्रगल किंतु आग को बहुत भल समय आसो जहाँ भी एग्जामिनेशन लिखा चाहूँ जहाँ भी आप पढ़ाक चाहूँ पढ़ी पारे
ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। 26 ଜୁନ୍ 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କନସେନଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରରେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଏବଂ ମେମୋରି ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍, ସିଲଭର୍ କଲର୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜୁଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ନୟାଗଡ଼ରୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆପଣ? କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 24/6/2021 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 3:43 ଦିନ କି ରାତି? ଅପରାହ୍ନ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ? ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କେମିତି ରହିବ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନୀଚ ଅଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଲଗ୍ନରେ କେତୁର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, କେତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ରହୁଛି। ପିଲା ଅଧିକା ରାଗି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ଅଧିକା ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଏଜୁକେସନର କାରାଗ୍ରହ 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମଧ୍ୟ। ପିଲାର ରାଶି ରହୁଛି ଧନୁରାଶି, ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ରହୁଛି ପିଲାର 19/9। ଯେହେତୁ ଏଜୁକେସନର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିବ, ବହୁତ ଭଲ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପିଲା ଫେସ୍ କରିବ, ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା, ବଡି ପେନ୍, ପେଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ଲାଗିକି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି ପିଲା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ପିଲାର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ହେଲ୍ଥରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, 26 ଏପ୍ରିଲ୍ 2023 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି। ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲାର, କାହିଁକିନା 4th ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ବୁଧ ମଧ୍ୟ 7th ହାଉସ୍ରେ। ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିବ, ବହୁତ କମ୍ ପଢ଼ିକି ଅଧିକା ମେମୋରାଇଜ୍ କରିପାରିବ, ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ପିଲାର ନାମଗୋତ୍ରରେ। ସର୍ବବାଧା ପ୍ରଶମନ୍ୟମ ତ୍ରୈଲୋକେଶା ଅଖିଲେଶ୍ୱରୀ ଏବମେବ ତୋୟା କାର୍ଯ୍ୟମ ମସ୍ମତ୍ ବୈରୀ ପିନାଶନମ୍, ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ 27ଟି ଦୁବ ପିଲାର ନାମଗୋତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍କଟ ନାଶନ ଗଣପତି ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପିଲାର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍ ଏବଂ ସିଲଭର୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ପିଲାର ବହୁତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବ ପିଲା। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜୁଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 3 ଏପ୍ରିଲ୍ 1980 ଦିନ କେତେଟା କହିଲେ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଲଗ୍ନ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନେଟ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ କେତୁ, ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ଶିକାର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ, ଯେହେତୁ 3rd ହାଉସ୍ରେ
बकरी अच्छे शनि बकरी अच्छे मंगल बकरी अच्छे अरिका बकरी प्लानेट इनफ्लुएंस रोचे आपस्कोप से प्रत्येक समय कि स्ट्रगल आप फेस कर समस्या भितर को आसी जाऊँगी। स्वामी काराग्रह बृहस्पति आप जातक जेहेतु बकरी अच्छी और राहु सहित क्लोज कंजक्शन अच्छी से फिनान्सी आपको लस हो आकस्मिक भाव में किना कि हेल्थ इश्यू आप सहित प्रत्येक समय लगिक रोचे कितु आग को बहुत भल समय आसो आप जहाँ भी वर्तमान समय आप स्ट्रगल कर देखते आगे बहुत भल समय अच्छी आपं 2022 नवंबर पर 13 नवंबर 2022 पर फाइनेंशियल कंडीशन को लेकिन एवं हेल्थ को लेकिन प्रत्येक जिनस को लेकिन बहुत भल रहा आपं जातक बुधर अंत प्रत्यंत दश चलो गोटे प्रतिकार आपड़ करते फ्यूचर पर राइट हैंड और लिटिल फिंगर में गोटे पाना पिंधतु एवं प्रत्येक दिन केतु बीज मंत्र आप जप करूँ ओं प्रांग प्री प्रों सह केतवे नम प्रत्येक दिन 27 थर सका संध्या जप करूँ ग्रीन कलर येलो कलर व्हाइट कलर को अधिका यूज करूँ ब्लैक कलर सिल्वर कलर को टोटाली अवॉइड करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्से मिल पार आपण को आउ जड़े कलर जो सहित कथा हेलो सर नमस्कार नमस्कार कौन तो क्या विषय जानवे सर मो पु विषय पचार कौन तो पुओं जन्म तारीख सर मो पु ना जगन्नाथ दास अच्छा सर सर जो डेट ऑफ बर्थ है 2/4/1994 2 अप्रैल समय कौन तो समय है 10:45 दिन की राति दिन सकाल जन्मस्थान कौन तो जन्मस्थान खोर्धा सर के बे तारो अच्छा हो अच्छा सर के बे विवाह हो के पिला कोन करथो अच्छा विवाह को लेके अपन जाने चाहन छथि हां ठीक अछि ठीक अछि आ जहां पर घर सब देखिबा आप को लग्न मिथुन लग्न लग्नाधिपति बुध आप घरस्कोप रे जेतु भाग्य स्थान ने पोष नोची शनि मंगल रो कंजक्शन अछि जेतु लग्नाधिपति बुध पाप ग्रह को प्रभाव रोची प्रत्येक समय रे भाग्य रो उतार चढ़ा लागिक रोची डेस्टिनी रो सपोर्ट आपन पाई परु नहंती प्रत्येक समय रे जाबी चाहू छथि मिलिया पई प्रॉपर्ली आपन को मिली परु नहि अधिक स्ट्रगल होची अधिक विलंब मध्य हे जाउची आपन को वर्तमान समय रे जॉब को लेकिन मध्य आपन स्ट्रगल करिवे काहेकि ना जॉब हाउस रो लॉर्ड बृहस्पति आपन को हॉरोस्कोप रे जेतु 5th हाउस रे बकरी छि अधिक स्ट्रगल करिवे प्रत्येक समय रे जॉब रे किछ ना किछ विपरीत परिस्थिति आपन को सहित क्रिएट हबो एवं अधिक परिश्रम करिवे परिश्रम रिजल्ट मध्य आपन पाई परिबे नै विशेष करी विवाह को लेकिन आपन जाने को चाहचंती 7th हाउस को फोकस करबा 7th हाउस रो लॉर्ड बृहस्पति जेतु बकरी अवस्था रे 5th हाउस रे पोजीशन नोची विवाह को लेकिन किछ ना किछ विलंब हो जाउची अहेतुक विलंब होवर वर्तमान समय जो देखा आप सूर्य बुध चलती नेगेटिव समय आपण आग को बहुत समय आप आस 2022 जुलाई परे परे 13 जुलाई 2022 पर आपपर घर तो उत्तर पूर्व दिगरे आप मेरेज हो पार कि मेरेज पाई अधिका विलंब रोच शनि मंगल प्रभाव रोच बृहस्पति बकरी अच्छी से वर्तमान समय गोटे चंडी पूजा आप करूँ विशेष करी पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसारम सागरस्य कुलोद्भवाम ए मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करंतु सप्तशती चंडी रे बहुत शीघ्र मैरेज हबो बहुत भल मैरेज पार्टनर पाई परिबे आपण राइट हैंड रो मिडिल फिंगर रे व्हाइट सैफायर पिंधतु आपण को मैरेज लाइफ पई आपण को फ्यूचर पई बहुत पॉजिटिव रहिबो हेल्थ को लेके किछ ना किछ समस्या आपण को आसी जिवो आकस्मिक भावे जहाँ भी आपड़ स्ट्रगल कर प्रत्येक समय किसी ना कि हेल्थ को लेकिन अधिका स्ट्रगल करेंगे से राइट हैंड और लिटिल फिंगर में पाना पिंधतु आपं फिजिकल ग्रोथ पर मेंटल ग्रोथ पर एवं प्रोफेशनल ग्रोथ पर बहुत पॉजिटिव रहा ब्लैक कलर और रेड कलर को टोटाली अवॉइड करूँ ग्रीन कलर व्हाइट कलर येलो कलर को अधिका यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्से मिल पार आपण को तो दर्शक बंधु वर्तमान समय है गोटे ब्रेक रो ब्रेक पर आलोचना जारी रखिबा ब्रेक पर स्वागत दर्शक बंधु आलोचना करचंती वैवाहिक दाम्पत्य सुख को लेकिन आपण देखुं आम देखुं आलोचना करचंती मानसिक स्थिति केमती रहिबो से 4th हाउस देखुचंती काकिना 4th हाउस आपंकर मानसिक स्थिति मेंटल कंडीशन केते भलो रहिबो आपंकर वर्तमान समय रे परिवार आकु नै कि आपण केते खुशी अछंती
एवं मैरिज परे परिवार सपोर्ट आपनको केमिति मिली परिबो डोमेस्टिक हैप्पीनेस केमिति मिली परिबो आपनको सेति पई तो देखुचंती फोर्थ हाउस केमिति कंडीशन अछि फोर्थ हाउस रे केमिति प्लैनेट रहउचंती जेंते कि चंद्र को नेकी आलोचना करचंती मनर कारग्रह चंद्र केते पॉजिटिव अछि जदि अधिक शुभ ग्रह को प्रभाव रहछि तले अधिक स्ट्रांग रहइबो आपनको मानसिक स्थिति मेंटल ग्रोथ रहइबो आउ जने कॉल जुटचंता अछि त कथा बा हेलो नमस्कार कोन तो काबिस चलिबे मोबिस कोन तो आपन को जन्म तारीख 6 नवंबर 1973 1973 समय कोन तो अपराह्न 5:10 जन्म स्थान कोन तो जटणी आउ थरे कोन तो जन्म स्थान जटणी खुदा कौन जाने चाहती आप विषय अच्छा 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 ठीक अच्छे आज्ञा आप सब देखा हेल्थ को लेकिन आप अधिका समस्या रोचे पर किसी ना कि हेल्थ इश्यू आपको लगे कि रोचे कहीं आप लग्न रोचे मेष लग्न एवं मेष राशि लग्नाधिपति राशियाधिपति मंगल लग्न में बकरी अच्छी अधिक स्ट्रगल करचंती आकस्मिक भाव में किसी ना कि दुर्घटना आपण सहित लगिक रोचे आपंकर परिवार रे स्वामी को पाई मध्य अधिका खराब रोचे कहीं स्वामी काराग्रह बृहस्पति आप जातक रे नीच अच्छी अधिक स्ट्रगल करचंती एवं पाप प्रभाव अधिक रोचे लग्न उपर मंगल बकरी अच्छी लग्नाधिपति राशियाधिपति एवं शनि मध्य बकरी अच्छी आप जातक रे थर्ड हाउस रे प्रत्येक समय रे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बॉडी पेन जॉइंट पेन अधिक आपंक रोचे थंडा मध्य आपंक अधिक रोचे वर्तमान समय अधिक नेगेटिव रोचे कहीं राहु दशा कंटिन्यू करुच्ची आपंकर राहु रे शुक्र वर्तमान आपंकर राहु रे शुक्र रे कंजक्शन होची भाग्य स्थान राहु रे राहु चलची वर्तमान हेल्थ इश्यू लागिक रोचे आपं 2022 अक्टोबर पर 15 अक्टोबर 2022 किसी ना कि सुधार आसीपार किंतु प्रत्येक सोमवार दिन शिवलिंग में आज कंचाक्षर चढ़ातु आपण नामक्षेत्र एवं 27 दुब सर्व बाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादहीन भविष्य न संशय ए मंत्र रे 27 दुब चढ़ातु आपंकर हेल्थ पाई आपंकर फ्यूचर पाई बहुत पॉजिटिव रहइबो एवं राइट हैंड रो इंडेक्स फिंगर येलो टोपाज पिंधतु आपंकर हेल्थ पाई पारिवारिक सुख शांति पाई बहुत पॉजिटिव रहइबो ब्लैक कलर को टोटली अवॉइड करंतु ग्रीन कलर व्हाइट कलर येलो कलर एवं लाइट रेड कलर मध्य आपण पिंधि पारिबे आपंकर फ्यूचर बहुत भल अछि जा भी स्ट्रगल करचंती वर्तमान बहुत भल आसीबो फ्यूचर रे तो दर्शक बंधु देखुचंती आलोचना करचंती कोन जगह अछि आपंकर फोर्थ हाउस रे कहिना मानसिक स्थिति परिवार आपंकर केते सुखी अछंती पारिवारिक स्थिति आपको केमती रहउछि देखिए पई फोर्थ हाउस को देखा जाय आपंकर निजर केमती मानसिक स्थिति रहउछि चंद्र उपर आलोचना करते कहीं चंद्र मनर काराग्रह जदि चंद्र शुभ प्रभाव अच्छी तेल मानसिक स्थिति आपंकर स्ट्रंग रोत भर आपंकर मेंटल कंडीशन रत्येक समय जहाँ भी आप चिंता करेंगे पॉजिटिव चिंता करेंगे जदि चंद्र पाप प्रभाव रोचे जमीक चंद्र राहु सहित कंजक्शन करुच्च केतु सहित एवं शनि सहित मंगल सहित तेल आकस्मिक भाव में किसी ना कि आप डिसीजन नहीं लाइफ जोटा कि पर किसी ना कि नेगेटिव हम आपणकर मानसिक शांति भंग हम प्रत्येक समय किसी ना कि समस्या भितर को आपड़ टाणी आसवे पर अधिक स्ट्रगल करने को पड़ो आपण को आउ जड़े कल जो सहित कथा हेलो नमस्कार सर नमस्कार कौन तो क्या विषय जानवे सर मुझे विषय जानवा कौन तो आपण जन्म तारीख मोर जन्म तारीख 6 नवंबर 1992 समय कौन तो? समय 4:05 सकाळे के तारीख रहुची? सकाळे 6 तारीख रहिबो कि 7 तारीख हे जाउची? हां 7 तारीख मंगल राति बुझी पहांती आ नहीं आ गया आपकर शुक्रवार आसुची ठीक कौन तो? नहीं अच्छा आपण आउथरे कौन तो आपको जन्म तारीख जन्म 6 नवंबर अरे अक्टूबर 6
ठीक कहउछंती हां 6/10/1992 नवंबर कहउतले वर्तमान आपण सॉरी सर 6 अक्टूबर 1992 सकाळे केत तारीख रहिबो 6 तारीख कि 7 तारीख 7 तारीख हेबो जन्मस्थान कोनतो जन्म तारीख गंजम कौन जाने चाहूँ आप ठीक अच्छे आज्ञा आप घर सब देखा पारिवारिक स्थिति को लेकिन आप अधिका चिंतित रोचान आपं लग्न रोचे सिंह लग्न जेहेतु सिंह लग्न रोचे अग्निदत्त लग्न आप सेकेंड हाउस लग्नाधिपति बृहस्पति सहित कंजक्शन करा न्यायवान लोक रोचा आप प्रत्येक समय आपण जस्टिस पक्ष ने किंतु प्रत्येक समय आपड़ स्ट्रगल कर मानसिक स्थिति को लेकिन जहाँ भी डिसीजन नौ देखि चाहिए डिसीजन नि मन भितर अधिका शीघ्रता रोचे अशांति क्रिएट होना कि भूल डिसीजन आप नौ पर स्वामी स्त्री मध्य संपर्क एत भल रोना कहीं लग्नाधिपति सूर्य एवं आपंकर शनि नेगेटिव रोचान जेहेतु पंचम नवम जोग रोचे किंतु शनि चंद्र जोग रोचे विष जो क्रिएट हो मानसिक स्तर में आपण अधिका वीक अच्छा अधिका चिंता करुंच को सहजे विश्वास कर बहुत समय निजर किना कि लस आप कर मन मुटाप लगिक रोचे आपण को किंतु बहुत भल हो पार आपणकर जेहेतु बृहस्पति आप जतक सेवेन्थ हाउस पूर्ण दृष्टि रखुचे आपणकर लाइफ पार्टनर बहुत पॉजिटिव लोक किंतु मानसिक अस्थिरता लगिक रोचे पर कथार भासी जाऊँगी अधिका भूल डिसीजन नौकरी अंडरस्टैंडिंग आप उभय ठीक रखी पार ना वर्तमान समय नेगेटिव अच्छी आग को बहुत भल समय आपण आपंकर फैमिली 14 मार्च 2022 परे परे बहुत भल समय अच्छी जहाँ भी वर्तमान आप स्ट्रगल कर आग को बहुत भल हो पार आपंकर किंतु गोटे प्रतिकार आप करूँ मानसिक स्थिति पारिवारिक सुख शांति राइट हैंड लिटिल फिंगर में गोटे ब्लू मून पिंधतु एवं स्वामी स्त्री मध्य बहुत भल बुझापड़ा राइट हैंड रा इंडेक्स फिंगर में येलो टोपाज पिंधतु मानसिक स्थिति आप फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहा डार्क कलर को टोटाली अवॉइड करंतु ब्लैक कलर वायलेट कलर ब्लू कलर को पिंधतु ना ग्रीन कलर व्हाइट कलर एवं पिंक कलर को अधिक यूज करंतु बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस पाई आउ जने कलर जो सहित कथा हेलो आज्ञा कहतु क्या विषय जानवे कौन तो पुओं का जन्म तारीख है? अगस्त 17 तारीख का बुधवार 17 अगस्त मसिया कौन तो? अगस्त 17 तारीख का बुधवार 2015 मसिया समय कौन तो? अगर मोड की है बामो तो होता है कि मोसाफे डाक्टर अगर जन्म समय कौन तो? जन्म समय कौन तो कहता हूँ जन्म ही चंती पिला जन्म स्थान कौन तू हेलो हेलो कॉल टी कटी दर्शक बंधु आलोचना को आसीबा जमीक आम आलोचना करमती कंडीशन हो मून कहीं मून मानसिक स्थिति को जस्टिफाए करे आपंकर मनर स्थिति केमती रोचे मेंटली केते हैप्पी आपन रोचंती मनरे केते शांति रोचे मन भितर केते अशांति रोचे से ग्रह मान स्थित कौन रोच फोर्थ हाउस से देखुं फोर्थ हाउस लॉर्ड केते स्ट्रांग अच्छी लग्न सहित केते फ्रेंडली अच्छी जदि लग्न लग्नाधिपति सहित फोर्थ हाउस लॉर्ड जदि अधिका शुभ प्रभाव अच्छी तेल बहुत भल मानसिक स्थिति रोज बहुत भल डिसन आप लाइफ ने चंद्र को देखूँ जदि चंद्र आप जैक फोर्थ हाउस पोजिशन नौ शुभ ग्रह प्रभाव अच्छी जदि चंद्र बृहस्पति सहित कंजक्शन करुच्ची तेल आपंक जतक गजकेश्वर जो क्रिएट हो मानसिक स्थिति बहुत भल प्रत्येक समय अन्य को साय करवा सम्मान करवा परोपकारी नेचर आपं रधिक सफ्ट नेचर रे जहाँ भी चिंता करेंगे पॉजिटिव चिंता करेंगे प्रत्येक व्यक्ति पर चंद्र जदि शुक्र सहित कंजक्शन करुच्ची तेल अधिक आंबिशन आप प्रत्येक समय किना कि आंबिशन नगे एवं भाग्यर सपोर्ट आपको मिल पार अधिका सौखीन मिजाज आप रे प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ भी डिसीजन ने आपंपाई पॉजिटिव हो पार
ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧର ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅଧିକା କୌତୁକ ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ରହିବେ, କମେଡ଼ି ଆପଣ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମନ ଭିତରେ, ଅଧିକା ହାସ୍ୟର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ହସ୍ମିଜାଜ ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ରହୁଛି, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁଁ, ମନ ଭିତରେ ଅଧିକା ହରିନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଅଧିକା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ଇଏସ୍ ନର କମ୍ବିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଲାଗିକି ରହିବ, କରିବେ କି କରିବେ ନାହିଁ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଯିବେ, ଅଧିକା ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଶନିର ଯଦି ଯୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ବିଷ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିକି ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଗେଦରିଂ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ, ମନ ଭିତରେ ଅଧିକା ଅଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ, ମେଣ୍ଟାଲି ଇଲନେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଗିକି ରହିବ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଟାଣିକି ଆସିବେ, ଅଧିକା ଶତ୍ରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଶନି ଏବଂ ରାହୁ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୂପା ଜିନିଷ ଅଧିକା ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ଆପଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯଦି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ପାପ ପ୍ରଭାବର ଅଛି ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେବ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ମତବିଭେଦ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ମଧୁର ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି, କେମିତି ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, କେତେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, କେତେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ନେଚର, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।